एक है। जय जयकार किसी की भी हो, पहुंचती तो उस कर्ता तक ही है। तुम जब मुझसे दूर चली जाती हो तो तुम्हारे आंचल की छांव और भी ज्यादा घनी हो जाती है। झिपली ने मुझे आंसू बहाने की धमकी दी और मैं डर गई। इससे मुझे डर गुरु की बात याद आ गई। तो तुम मेरे डर से बचने का उपाय तो नहीं सोच रहे हो ना? सोच रहा नहीं हूँ झिपली, सोच लिया है। और उपाय ये है कि अब बाकी की कथा संध्या काल के बाद सुनेंगे। पर संध्या काल की बात क्यों? संध्या काल के समय योग, व्यायाम और टहलना सेहत के लिए बहुत उत्तम होता है झिपली। अब अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इस सरफू और नाना को थोड़ा टहला लाऊं। ये उत्तम रहेगा, मैं संध्या पूजन और खंडोबा की संध्या आरती करके आऊंगा। आज कुलकर्णी भाव भी वहां आने वाले हैं। कोई विशेष पर्व है क्या? नहीं, कोई विशेष पर्व तो नहीं है। हर सोमवार को कुलकर्णी अपने परिवार के साथ खंडोबा मंदिर में दर्शन करने आते हैं। खंडोबा उस पर अपनी कृपा बनाए रखे, पर सिर्फ सोमवार को ही, मंदिर तो रोज जाना चाहिए। मंदिर जाने से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बातें कुलकर्णी भाव के समझ में कहाँ आएंगी साईं? समझाने वाला तो वो है माई, एक ना एक दिन उसे भी समझा ही। कब तय हुआ? हम संध्या के बाद मिलेंगे। तू आंसू तो नहीं बहाएगी झिपरी? अगर संध्या के बाद भी कहानी नहीं सुनाओगे तो जरूर बहाऊंगी आंसू। कई दिनों से देवीदास नहीं दिख रहे देवा। मुझसे कहकर कोपरगांव गया था, आज उसको लौट कर आना था पर अब तक आया नहीं। चलो हम लोग टहल के आते हैं। यार नट्टू, मैं कुलकर्णी भाव को मना नहीं कर पाया। पर जाएंगे कहाँ? ऐसा तांत्रिक कहाँ मिलेगा? जहाँ भी मिले वहीं जाऊंगा। मैं कुलकर्णी भाव की उदासी नहीं देख सकता। याद कर नट्टू, उस ढोंगी पाखंडी फकीर के आने से पहले इस गांव में हमारे क्या ठाट हुआ करते थे। हम जिस भी रास्ते से गुजरते थे गांव वाले घुटनों के बल सर झुकाकर वहीं बैठ जाते थे। हो गए? चलो। वो भी क्या दिन थे नट्टू। मुझे सब याद है छबुराओ, जब कुलकर्णी भाव इन रास्तों से निकलते थे तो पूरा गांव उनके चरणों की धूली के लिए पागल हो जाता था। कुलकर्णी भाव को अगर ऐसा लगता है कि उस तांत्रिक के आ जाने से हमारी ठाट वापस आ जाएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
नहीं नट्टू, हमारे दोनों के चले जाने से कुलकर्णी भाऊ बहुत अकेले हो जाएंगे। तुम यही कुलकर्णी भाऊ के पास रहना और उन्हें उल्टे सीधे काम करने से रोकना। अरे उन्हें रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम उनसे कहना कि क्यों एक फकीर को भगाने का अपयश अपने सर पे लेते हैं। छबुराव जब एक तांत्रिक को लेकर वापिस आएगा तो उस ढोंगी फकीर की अर्थी अपने आप उठ जाएगी। उस ढोंगी फकीर की अर्थी को कंधा देने वाला आ रहा है। आज इस डाकू को रोकना ही होगा। एक तो शिरडी का नहीं है, ऊपर से मराठी मानुष भी नहीं, फिर क्यों बार बार उससे मिलने आता है? अरे छबुराव, डाकू डाकुओं के सरदार से मिलने नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? जरूर लूट के माल का हिसाब किताब देने आया होगा, इसलिए तो पुलिस इसके पीछे पीछे मस्जिद तक गई थी। आज तो इसे घेरना ही होगा नट्टू। नहीं छबुराओ, आज नहीं, आज सोमवार है, भाव के साथ मंदिर भी जाना है, कल तुम्हें शिरडी से बाहर भी जाना है। आप शिरडी के नहीं लगते? जी हम, मैं शिरडी का नहीं हूँ। शिरडी में कोई रिश्तेदार है? हाँ, मेरे ठाकुर जी रहते हैं शिरडी में। ठाकुर? कौन ठाकुर? ठाकुर मतलब मेरे गुरु सदगुरु साईनाथ महाराज जी। वो फकीर जो जंगल वाली पुरानी मस्जिद में रहता है? हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। आप दोनों शिरडी के ही हैं? हम शिरडी के नहीं हैं, शिरडी ही हमारी है। अच्छा अच्छा, आप शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाव हैं? नहीं, ये तो कुलकर्णी भाव के दाहिने हाथ है और मैं बायां। आप दोनों से मिलके बहुत खुशी हुई। तो आइए साथ साथ इस खुशी को और बढ़ाते। जी माफ कीजिएगा, आज नहीं, फिर कभी। कल किसने देखा है, एकदम विलायती खोलेंगे खास आपके लिए। मैं मदिरा पान नहीं करता। हाँ लेकिन एक दिन आप दोनों के साथ अवश्य बैठूंगा। ओ हाँ हाँ, याद आया, आज तो सोमवार है और आज मुझे मंदिर जाना होता है। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा छबुराव, क्यों ढोंगी पाखंडी और हमारे शत्रु फकीर के मुरीद से इतनी मित्रता गांठने की क्या जरूरत थी? तू नहीं समझेगा नट्टू, अगर शत्रु ताकतवर हो तो उसे कमजोर करने के लिए कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। यह किस बुद्धिमान ने कहा है? आचार्य चाणक्य ने। इसमें क्या कूटनीति हो सकती है? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, अभी तो कूटनीति का खेल शुरू हुआ है। और कूटनीति कहती है कि शुरू में शत्रु को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर उसे अपना बना लो और फिर सही अवसर आने पर उसका सारा भेद जानकर उस पर प्रहार करो। यह भी आचार्य चाणक्य ने कहा है? नहीं। फिर ये किसका ज्ञान है? आचार्य छबुराव का। चलो। छबुराव और नट्टू कहां मर गए? चले भाऊ को उस फकीर के मुरीद देवीदास के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सही बोल रहे हो छबुराव। चलो जल्दी चलो। प्रणाम भाऊ।
चला। आज कुछ अधिक नहीं टहली देवा? तू बूढ़ा हो गया है नाना, इसलिए जल्दी थक जाता है। वैसे तेरी उम्र में टहलना सेहत के लिए बहुत ही उत्तम है। प्रणाम ठाकुर। आजकल कई नए नए मित्र बना लिए हैं तुमने देवीदास? अच्छा है, मित्रों की संख्या अधिक हो तो शत्रु भयभीत रहते हैं, पर ध्यान रहे सच्चे मित्र को पाना बहुत ही कठिन है, और मित्र के वेश में शत्रु को पाना बहुत ही सरल। ठाकुर, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। शायद मैं जो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं, वो तुम्हारे मित्र तुम्हें अवश्य समझा देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो कहना था वो तो कह दिया देवीदास। चलो द्वारका माई चलते हैं। देवीदास भाऊ, अभी थोड़ी देर पहले ही भगत महात्मा पति जी आपको याद कर रहे थे। चलिए। नमस्ते। अम्मा वही नहीं, कुलकर्णी भाव नहीं आए? आए हैं ना, बाहर खड़े बात कर रहे हैं। संध्या आरती का समय हो गया है, मैं उन्हें बुलाकर लाती। आदि बाड़ा, संसार में कोई भी पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ को चुप नहीं कराया, तू चुप कराएगा मुझे? भाऊ, मैं आपको चुप नहीं करा रहा था, वो रमा वहिनी। क्या रमा वहिनी? क्या करेगी तेरी रमा वहिनी? अरे भाऊ, रमा वहिनी पीछे खड़ी है। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तू समझ गए ना छाबूराव? कल सुबह सीधे नासिक निकल जा। त्रंबकेश्वर मंदिर के पुजारी भारद्वाज जी से मिल, उनको मेरा संदेशा दे। पहुंचे हुए तांत्रिक का पता भारद्वाज जी से ही मिलेगा। हाँ। एक बात कहूँ? बोला। क्यों ना नासिक तक हम दोनों भी छबुराव के साथ चले, आपको देखकर भारद्वाज जी तोते की तरह राम राम जपेंगे। तो कब से लगा? जरा भी अक्ल नहीं लगाता है तू, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अबे छुछुंदर, हम नासिक जाएंगे तो सारी शिरडी को पता चल जाएगा, और सबसे पहले तो तेरी रमा वहिनी को, और छाती पीटते हुए आ जाएगी और पूछने लगेगी, कहां जा रहे हो, क्या काम है? छोटी छोटी बातों का भयंकर बखेड़ा कर देती है तेरी रमा वहिनी। अरे नहीं भाऊ, चुप, मैं चुप हो जाऊं? हैं? तू चुप कराएगा मुझे? मैं चुप रहूं? शिरडी का पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ चुप रहे? मच्छर की मूछ, तू मुझे चुप कराएगा?
संसार में कोई भी पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाऊ को चुप नहीं कराया, तू चुप कराएगा मुझे? बाऊ, मैं आपको चुप नहीं करा रहा था, वो रमा वहिनी। क्या रमा वहिनी, क्या करेगी तेरी रमा वहिनी? अरे बाऊ, रमा वहिनी पीछे खड़ी है। तू यहाँ क्या कर रही है, छुप छुप के हमारी बातें सुन रही है? नहीं बता। मैं सच में छुप कर नहीं खड़ी थी। छुप कर नहीं खड़ी थी तो सामने क्यों नहीं आई? वो क्या वो लगा रखा है? बता क्या क्या सुना तूने? मैं खरा संगते, मैंने कुछ भी नहीं सुना। वो भगत जी आरती के लिए बुला रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने आ गई। हाँ ठीक है, भगत जी से कहो कि कुलकर्णी बाबू थोड़ी देर में आएंगे, उसके बाद आरती शुरू करें। अहो, भगवान की आरती किसी का इंतजार नहीं करती। ये ज्ञान देने का नहीं, ज्ञान देने का नहीं। चला चला। तो मैं क्या कह रहा था छबूराव? भाऊ, आरती शुरू हो चुकी है। इस डोंगी पाखंडी फकीर के आने के बाद इस भगत मालसा पति की भी चर्बी चढ़ गई है, थोड़ी देर आरती नहीं रोक सकता था। पर भाऊ, भगवान की आरती का एक समय होता है। होता होगा, इस भगत की कुंडली भी मुझे भांजनी होगी। एक बार उस ढोंगी पाखंडी की गर्दन दबोच लूं, फिर इन भगत जैसों को शीढ़ी से तक्के मारकर बाहर न निकाल दिया, मेरा नाम भी पुलिस पॉटर कुलकर्णी पाऊ नहीं। भाऊ, मंदिर चलें? नहीं छबूराव। पर भाऊ, मंदिर तक आकर आरती में सम्मिलित ना होना? मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं छबूराव, मेरा मन अब आरती में नहीं लगेगा। इस समय मेरे मन में केवल एक पहुंचे हुए तांत्रिक को शिरडी लाने की उधेड़बुन चल रही है, जिससे उस पाखंडी को मजा चखा सकूं। शरीर और मन अलग अलग होते हैं। हाँ, साईं का मन हमेशा उनके भक्तों में लगा रहता है और उन्हें उनके शरीर की जरा भी फिक्र नहीं। हो सकता है इस समय उनका कोई भक्त संकट में हो। कौन सा भक्त? राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। मैं जानती हूँ मेरे स्वामी अपने अहंकार में हर एक का अपमान करते हैं, इस समय भी उन्होंने मंदिर आकर भी तुम्हारी आरती को ठुकरा दिया, पर उनकी इस भूल को क्षमा कर देना भगवान। अगर दंड देना ही हो तो उन्हें ना देकर मुझे दे देना, उन पर कृपा करना है कृपा निधि।
मेरे परिवार पर अपनी दया बनाए रखना खंडोबा। छबुराव, लट्टू सही कह रहा था। किस बारे में भाव? यही कि मैं भी तुम्हारे साथ त्र्यंबकेश्वर चलूंगा। सबसे कह देंगे कि हम साहब बहादुर से मिलने कुपर गांव जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, इस सब की क्या जरूरत है, आपका तो नाम ही काफी है। और अगर वो पंडित भारद्वाज ने कुछ आनाकानी की तो मैं आपको बुलवा लूंगा। ठीक है छबुराव, तुम नट्टू को भी साथ लेकर जाओ और नासिक से समाचार लेके इसे वापस भेज दो, ताकि मुझे भी चैन की नींद आ जाए। ये ठीक रहेगा बाबू। अब मंदिर चलें। अब आरती संपन्न होने वाली है, मैं भी अब मंदिर नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधे वाड़े जा रहा हूं, तुम अपनी रमा वाहिनी को साथ लेकर आना। जी बाबू। ए चला। काकी, बाबा अभी तक नहीं आए। तू इकड़े ही है, यहाँ आके बैठ जा। काय झालं, ऐसे उदास क्यों खड़ी है? बघा ना काकी, बाबा अभी तक नहीं आए, फिर रात हो जाएगी तो कहेंगे बहुत रात हो चुकी है, अपने अपने वाड़े जाओ, आज कहानी नहीं सुनाऊंगा। ऐसा बाबा तब करते हैं जब कुछ जरूरी हो। देख तेरे बाबा आ गए। बाबा। साईं बाबा की जय। 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 चिपरी कब से इंतजार कर रही थी? अभी पूरा नहीं आया भाई जमाई, शरीर आ गया है पर मन कहीं और। शरीर और मन अलग अलग होते हैं? हाँ, साईं का मन हमेशा उनके भक्तों में लगा रहता है और उन्हें उनके शरीर की जरा भी फिक्र नहीं। हो सकता है इस समय उनका कोई भक्त संकट में हो। कौन सा भक्त? अपने घर की लक्ष्मी को कोई ऐसे निकालता है क्या? भाव, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप बहनी को बुला लीजिए। देखो, जब तक वो नाक नहीं रगड़ेगी तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तुम क्यों रो रहे हो बाबा? जिस नारी ने पुरुष को जन्म दिया उसकी दुर्दशा देखकर रो रहा हूँ। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं
अगर पाना शिखर।